उत्तराखंड के उधम सिंह नगर गदरपुर के मकरंदपुर गांव में मत्स्य विभाग ने योजनाओं की जानकारी देने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया। इस मौके पर सोनू भंडारी मत्स्य निरीक्षक ने बताया कि उत्तराखंड सरकार गैर परंपरागत तरीके से मछली पालन एवं किसानों की आय में वृद्धि हो इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मकरंदपुर गांव में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामवासी मौजूद रहे। गांव के ही एक युवक द्वारा बायो फ्लॉक के तहत मछली पालन किया जाएगा। इसके लिए पॉन्ड बनकर तैयार हो चुके हैं और विभाग की अन्य योजनाओं की जानकारी देने के लिए भी ग्रामीणों को आज यहां बुलाया गया। नुकसान नहीं करेगा ये, एक तरीके से मछली इंडिकेटर का काम भी करती है कि अगर उसमें मछली है तो समझ लो वो पानी गंदा तो होगा लेकिन वो इतना गंदा नहीं हुआ कि आपको नुकसान कर दे। हाँ, अगर वो मिल है तो वो कुछ भी कर सकता है, तो कचरा को साफ भी तो करता है मछली। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।